नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन के साथ मैं हूँ सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। पुणे में हाई अलर्ट पर सिस्टम, साथ ही कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण के साथ सतर्क रहने का भी संदेश। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद भी पुणे में पार्क एक महीने के लिए और रहेंगे बंद। पुणे छावनी में सुबह 8 से रात के 10 बजे तक होटल खोलने की मिली अनुमति। खासदार अमोल कोले ने वित्तीय सहायता कर महिला पहलवानों की मदद के लिए आए सामने। देवरोड में हुआ कैंडल मार्च में गौसिया शेख ने दी चेतावनी, कहा मोमबत्ती मार्च नहीं बल्कि चप्पल मार्च निकालने की जरूरत। हाथरस मामले में भाजपा के नेता की मांग, कहा सभी आरोपी हैं निर्दोष, उन्हें तुरंत करे दिया। हाथरस मामले में आरोपियों ने जेल से लिखी चिट्ठी, कहा हम हैं बेकसूर, पीड़िता के साथ हमारी दोस्ती थी, पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश भर में कुल मामले 14.50 लाख, सभी पीड़िताओं का न्याय का इंतजार, पश्चिम बंगाल सहित महाराष्ट्र और यूपी में सबसे अधिक मामले। बिग बॉस 14 को बैन करने की मांग, यूजर्स ने सलमान खान के शो को बताया वल्गर।